मसला और एक शेर पेश करना चाहूंगा कि मेरी रातें टटोल भले ही अधूरे ख्वाब मिलेंगे, मेरी रातें टटोल भले ही अधूरे ख्वाब मिलेंगे, टूटने की कागार पर भी बेताब मिलेंगे। मेरी रातें टटोल भले ही अधूरे ख्वाब मिलेंगे, टूटने की कागार पर भी बेताब मिलेंगे। क्यों हैरान हो मेरे अधूरे खत पढ़कर, क्यों हैरान हो मेरे अधूरे खत पढ़कर, मेरी डायरी के पन्नों में बेहिसाब मिलेंगे। तो बस एक शेर और पेश करने जाऊंगा, फिर नज़्म सुनाऊंगा। तो शेर है कि कश्मकश सी है एक शेर की, कि तेरी यादों का हूँ या तेरे ख्वाबों में खोज, तेरी यादों का हूँ या तेरे ख्वाबों में खो जाऊं, बड़ी कश्मकश सी है, जागा रहूं या सो जाऊं। तो एक नज़्म शुरू करता हूँ। नज़्म से पहले एक पूछना चाहूंगा आप सबसे, किस किस को लगता है कि मोहब्बत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता? तो बहुत से लोगों को लगता है कि मोहब्बत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और मेरा भी यही मानना है, क्योंकि मोहब्बत के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो नज़्म है कि कोशिश की हजारों, कोशिश की हजारों ने, इश्क के बीमारों ने बयां, पर ये मोहब्बत हुई ना बेचारों से। कोशिश की हजारों ने, इश्क के बीमारों ने बयां, पर ये मोहब्बत हुई ना बेचारों से, कोई बताए चांद इसे। मोहब्बत की बहुत खास बात है कि हम मोहब्बत को सबसे सुंदर चीज के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, और करें भी क्यों ना, कि मोहब्बत एहसास ही है सर। कोई बताए चांद इसे, कोई दरिया बताता है, कोई बताए चांद इसे, कोई दरिया बताता है, कोई जिस्मों में लिपटने का बस जरिया बनाता है। कोई बताए चांद इसे, कोई दरिया बताता है, कोई जिस्मों में लिपटने का बस जरिया बनाता है, कोई डूबा है ऐसे कि निकल ही नहीं पाता, कोई डूबा है ऐसे कि निकल ही नहीं पाता है, कोई तो हर अगले दिन महबूब नया बनाता है। कोई जी के किसी की खातिर फिर क्यों बेवफा कहलाता। बहुत बार होता है कि हम किसी के लिए अपना सब कुछ कर देते हैं, वो एट लास्ट हमसे पूछता है कि हमने उनके लिए किया ही क्या। तो कोई जी के किसी की खातिर फिर क्यों बेवफा कहलाता है, कोई तोड़ के दिल कईयों के खुद को शरीफ बताता है। तो बस एक आखिरी पैराग्राफ, इसमें दो शब्द हैं, एक वसल और एक हिज्र। वसल का मतलब मिलन और हिज्र का मतलब सेपरेशन। कि वसल की चाह भी है, वसल की चाह भी है और हिज्र का डर सताता है, वसल की चाह भी है और हिज्र का डर सताता है, तुम ही जानो तुम ही समझो मुझे इश्क समझ नहीं आता। और एक छोटी सी नज्म है, बिल्कुल छोटी सी है। रात को 3 बजे मेरी आँख खुली थी, और उस समय जो ख्याल था मेरे दिमाग में उसके बारे में बोलना चाहूंगा। एक और रात अधूरी सी, एक और रात अधूरी सी, नींदों सपनों से दूरी सी, दिल की ये धड़कन बढ़ रही, चेहरे पे है बेनूरी सी। एक और रात अधूरी सी, नींदों सपनों से दूरी सी, दिल की ये धड़कन बढ़ रही, चेहरे पे है बेनूरी सी। कोई ख्वाब तो बेशक टूटा है, कोई ख्वाब तो बेशक टूटा है, जमीन पे बिखरा रूठा है, मैं मना समेट लूं इसे पर दिल मेरा भी तो झूठा है। और जाते जाते बस अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा, अपने बारे में, कि इस्तिश्नगी ये शायरी से निजात पाना मुश्किल, इस्तिश्नगी ये शायरी से निजात पाना मुश्किल है, जिस राह पे चल रहा हूँ वापिस आना मुश्किल है। इस्तिश्नगी ये शायरी से निजात पाना मुश्किल है, जिस राह पे चल रहा हूँ वापिस आना मुश्किल है, समुद्र का जो होने चला समुद्र का ही रह जाऊंगा, समुद्र का जो होने चला समुद्र का ही रह जाऊंगा, इस साहिल का अब साहिलों पे आना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।